कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो बिना कारण हम भी बहुतों का अपमान करते हैं, हमारा अपना अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे एक पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है, अर्थात जो भी बलवान है वो निर्बल का अपमान ही करता है। यदि हम शक्तिमान है तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, यदि लड़ने की शक्ति न होती तो हम अपमान सह लेते हैं, स्वयं को निर्मल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचली गई हो। किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? जब अपमान होता है तो मनुष्य अपनी निर्बलता का एहसास होता है और निर्बलता का बोधवश कुचल देता है, वो अधिक से अधिक निर्बल बन जाता है, अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है, आत्मविश्वास का नाश हो जाता है। जब आत्मविश्वास नहीं होता है तो मनुष्य शराब और जुए में सुख ढूंढता है, मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी गहराई से विचार किया है? वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिमान हैं। अर्थात वास्तव में अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान और बलवान सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से अस्वस्थ नहीं है, उसे अपनी शक्ति का भरोसा नहीं है। दूसरों को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने का कोशिश करता है। क्या यह सच नहीं है? जब हम किसी को अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं। हमें संसार एक अविरग संघर्ष प्रतीत होता है, कभी न रुकने वाली जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाली सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर पति या पत्नी ही क्यों न हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी का गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंद अर्थात दुश्मन मानने के बदले करीबी मान ले, सहायता करने वाले सहयोगी मान ले, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करे तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं वो प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसका विश्वास हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है वो अपमान करता है, न वो अपमान का स्वीकार करता है। क्या ये सच नहीं? इस तथ्य पर विचार अवश्य कीजिए।